यदि हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें लौकी जैसी सब्जी अपने घर में जरूर ग्रो करनी चाहिए। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो इजीली ग्रो हो जाती हैं, तो इसमें लौकी भी शामिल है। इसे जो है बहुत आसानी से लगाया जा सकता है बालकनी में, छत पे, कहीं भी। और शायद ही ऐसा घर होगा जहां इस सब्जी का यूज न होता हो। तो आइए आज हम आपको लौकी के बारे में डिटेल जानकारी देंगे कि इससे ज़्यादा फ्रूटिंग कैसे लिया जा सकता है, वो भी बड़े साइज का और ऑल टाइम। 3 महीने से हम जो है इसको लगा करके इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने घर पे ले रहे हैं। कई सारा वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं, लगाए हैं। एक रिजेक्ट बर्तन में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन यह अब जो है खत्म होने वाला है। तो हर 3 महीने में हमें नया पौधा जरूर लगाना चाहिए। और इसे लगाना इतना आसान है कि यदि आप बिगनर भी हैं और फूल फल के पौधे आप अपने छत पे लगाते हैं, तो इस सब्जी को आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। आपको कोई भी मेहनत नहीं करना होगा। तो सिर्फ लगाने का तरीका आपको सही से जानना होगा, जो कि आपको दिख रहा है छोटे छोटे से पौध मैं यहाँ पे रखी हूँ। इसे मैं कैसे तैयार करी हूँ, कैसे ट्रांसप्लांट करूँगी और इसके क्या फायदे हैं, इसे ऐसे क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट हमें सीड्स क्यों नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको अच्छे फल चाहिए तो इस वीडियो पे बने रहिएगा, मैं इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आपको भरपूर फल इस तरह से करने पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल माय आर्गेनिक ग्रीन गार्डन में। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम एक ग्रो बैग लेंगे जो कि 15 इंच का है, 15x15 का है, तो इसमें अच्छे से लौकी हो जाती है। 12 इंच के गमले में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा आपको पैदावार कम मिलेगी। लेकिन यदि आप 15 का लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके जगह पे आप गमला भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं छत पे वजन नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए ग्रो बैग बहुत ही अच्छा होता है। अब यदि मैं इस मिट्टी को बनाते हुए आपको दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें मैं क्या डाली हूँ। इसमें मैं डाली हूँ, जैसे कि पहले देखिए मैं लगाई हुई हूँ, तो इस तरह के कुछ सूखे हुए पत्ते मैं डाल दी हूँ नीचे। उसके बाद मिट्टी, गोबर और थोड़ी से राइस हस्क, जिसे धान की भूसी बोलते हैं, इस तरह से आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा छोटा, इसे मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ख़ासतौर से सब्जियों के प्लांट में। इससे क्या होता है कि सब्जियाँ हमें बहुत जल्द से मिलती हैं, तो यह जो है रूट्स को काफी तेजी से फैलाता है और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलती है। तो अब यदि अगर हम चाहते तो इसमें डायरेक्ट सीड्स इसी तरह से लगा देते और वह भी जर्मिनेट हो जाता, अच्छे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ तो होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जैसा कि मैं करीब 10 रुपए का बीज लगाई थी, जिसमें 7-8 बीज थे, लेकिन 7-8 में सिर्फ 3 ही निकले हैं, बाकी बीज मरे हुए थे। तो मैं देखे 2 तो इसमें लगाई थी, दोनों निकल गए। इसमें मैं 4-5 लगाई थी, जो 1 सिर्फ निकला है। तो अब मैं इसमें क्यों नहीं लगाऊंगी, यह भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये निकले हुए और इसमें देखिए मैं पानी इस समय बिल्कुल नहीं डाली हूँ। और ये जो है आपको आसानी से नर्सरी में जब आप कोई पौधे वगैरह लाते होंगे, गुड़हल या कोई भी ऐसा पौधा, तो ये मिल जाता है, तो इसे आप बिल्कुल ना फेंका करें। तो इसमें मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, सिर्फ बर्मी कम्पोस्ट और मिट्टी डाल करके बीज को मैं लगा दी। और बीज जो नुकीला वाला मैं लगाते हुए नहीं दिखा पाई, इसे आपको बता दे रही हूँ, नुकीला वाला भाग जो होता है उसे आपको नीचे लगा देना है, नीचे गाड़ना है और मोटा वाला ऊपर, तो ये निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। अब देखिए ट्रांसप्लांट करने लायक हो गया है। अब मैं आपको रीजन बताऊंगी इसे क्यों ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्यों डायरेक्ट नहीं बोना चाहिए। यदि हम डायरेक्ट इसमें बो देंगे तो होगी तो बीज अलग से तैयार होते हैं, फिर उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसी तरह से मैं सब्जियों का भी इसी तरीके से करती हूँ, यह हमारा कई वर्षों का अनुभव है। तो इससे क्या होता है, इसकी मिट्टी, एक बार इसके रूट्स को हवा वगैरह लग जाता है जब इसमें यह डाला जाएगा,
तो एक दो दिन यह झुलमुलाए रहेगा, फिर अच्छे से यह पकड़ लेगा। तो डालने से पहले आपको दो दिन तक पानी नहीं देना है, जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल मिट्टी सूखी है। अब हम इसको लगाने का निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हर 3 महीने में हमें क्यों ग्रो करना चाहिए। तो देखिए हम इसमें से इसको निकालिए, बहुत ही आसानी से यह निकल गया आप देख सकते हैं, और इसका पूरा रूट से जो है चारों तरफ हो चुका है। बहुत हल्की मिट्टी में हम इसको ग्रो किए थे, इसी तरह से इसे भी निकाल लिए हैं। अब इसे लगाना कैसे है, इस तरह से इसका हल्का सा मिट्टी निकल गया क्योंकि भुरभुरी मिट्टी थी, बर्मी कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा थी। अब इसमें जो है हम गमले में थोड़ा सा ऐसे बीच में इस तरह से जगह करेंगे। इस समय पे हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई फंगीसाइड कुछ भी नहीं डालेंगे ना, तो क्योंकि बिल्कुल मिट्टी पहले से हम भर करके रखे हैं। और यह पौधा लगाते समय बहुत लोग इसमें जो है बोर्न मील डालते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ क्योंकि जैसे इसके रूट्स जो है बहुत पतले बहुत नाजुक होते हैं, यदि आप इसको इस समय पे कोई भी खाद देते हैं तो रूट्स आपका खराब भी हो सकता है, पौधा भी मर सकता है। तो मुझे बेहतर रिजल्ट ऐसे ही मिलता है तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इसको इसी में रख दूंगी और फिर हम इसे अच्छे से कवर कर दे रहे हैं। इस तरह से, और एक ए है तो इसे भी मैं निकाल ले रही हूं। ऑल टाइम मिलता है, और जब हम गमले या ग्रो बैग में लगाते हैं तो 3 महीने के बाद इसके रूट्स जो है काम करना बंद कर देते हैं। मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं, जो ऑर्गेनिक पोषक तत्व हम इसमें डाले रहते हैं, वह खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें फिर हमें फ्रूटिंग नहीं मिलती है, पौधा सूखने सा लगता है। तो कोई भी सब्जी 3 महीने ही अच्छे से देती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बार ही जो है बीज खरीद कर रख लें और हर 3 महीने जैसे ही खत्म होने लगे, लगे आपको कि अब हमारा पौधा जो है यह सूखने के कगार पे है, तब आपको उसे ग्रो कर देना चाहिए। और छत पे या बालकनी में आप कहीं भी लगाते हैं ना, जमीन में तो बहुत समय लगता है फलने में, लेकिन छत पे महीना भर के अंदर आपको फ्रूट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आपको हमारे छत से देखने को मिलता होगा। देखिए इस तरह से निकाल लिए और इसी तरह से इसमें बीच में थोड़ा सा जगह बना करके हमें लगा देना है, बहुत ही इजीली हो जाता है फ्रेंड्स। और हमारे ख्याल से हम सभी को यह सब्जी अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं और आपको बिल्कुल बहुत कम बजट में बहुत ही अच्छी शुद्ध साफ सुथरी ऑर्गेनिक सब्जी घर में मिलेगी, जो कि मार्केट में मिलना कभी भी जो है मुमकिन नहीं है। तो आप गर्मी पड़ती है तो अब छत पे हो पाना मुश्किल होता है, तो 1-2 महीने हमारे यहाँ से नहीं हो पाता है बस। और तो इस तरह से आप लगा दीजिए, और अभी आपको इसको कोई खाद वगैरह नहीं देना है। जब यह पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो 1-2 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद इसको एक लकड़ी का इस तरह से देखिए, जैसे इसमें यह रेशा निकलने लगा है, तो आपको इस तरह से किसी भी लकड़ी का इसे सहारा दे देना है बड़ा सा। तो उसे क्या होगा कि यह जो है पकड़ेगा, इसके बाद इसे रस्सी के सहारे जैसे मैं इसे बांधती हूँ बांध देना है कहीं। तो इसका जगह बदलना जरूरी होता है, यदि जगह नहीं बदला जाता है तो अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिलती है। तो जगह बदलने से मिट्टी इसको दूसरी मिल जाती है दूसरी बार, और फिर ये इसका रीजन होता है, और फिर जो है फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं।